नमस्कार दोस्तों, दस सर्विस सेंटर चैनल में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक छोटा सा टीवी आया हुआ है और ये टीवी का प्रॉब्लम पहले आप लोग देख लीजिए। तो मैं टीवी को ऑन कर रहा हूं। ये टीवी का वायर है, मैं टीवी को ऑन कर रहा हूं। ये टीवी ऑन हो गया। ये देखिए, ये कोना में जो लाइट जल रहा है, और मैं इसको स्टैंड बाय रिलीज़ करता हूँ। ये देखिए, स्टैंड बाय रिलीज़ किया। ये देखिए, और ये धीरे धीरे स्क्रीन आया हुआ है। ये कुछ डिस्प्ले कुछ नहीं है। ये देखिए, रिमोट कुछ काम नहीं कर रहा है, और ये कुछ भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये क्या फॉल्ट होगा? दोस्तों, वीडियो का अंत तक मेरे साथ बने रहिए, और चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना दोस्तों, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले पैनल का वोल्टेज चेक करेंगे हम लोग, उसके बाद आगे जाएंगे। तो ये मैं मीटर का पोर्ट ग्राउंड का साथ कनेक्ट किया और मीटर 200 रेंज में सेट किया। तो एबीडी सप्लाई को देखते हैं पहले। ये बीडीडी सप्लाई है 2.8 वोल्ट, और एबीडी सप्लाई 10.9 वोल्ट। इसके बाद बीजे सप्लाई को देखते हैं, 32.2 वोल्ट, 1 वोल्ट। उसके बाद बीजे वोल्टेज को देखते हैं, -07.3 वोल्ट, 4 वोल्ट बता रहा है। तो ये आप लोग अच्छा से याद रखिए दोस्तों, जो न्यू टेक्नीशियन भाई लोग है, इन लोग को मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो देख के आप लोग को बहुत कुछ नॉलेज होगा। आप लोग पहले देखिए, ये जो बीजे सप्लाई है, देखिए ये 30.2 वोल्ट आ रहा है, ठीक है? ये बीजे सप्लाई है, 30.2 वोल्ट आ रहा है। और फिर देखिए, ये बीजेएल सप्लाई है, मैं दो बार करके वोल्टेज माप के बता रहा हूँ, -07.4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट बता रहा है। और ये हो गया बीडीडी सप्लाई 3.3 वोल्ट, उसमें देखिए 2.8 वोल्ट बता रहा है। फिर देखिए, ये एबीडी सप्लाई को देखिए, एबीडी सप्लाई देखिए 10.9 11 इसे बता रहा है। बीसीसी सप्लाई को एक बार चेक करते हैं, देखिए ये 2.8 वोल्ट बता रहा है। ये देखो, इधर में पैनल का नंबर दिया है, ये नंबर गूगल में डाल देना, उसका ये कितना वोल्ट का पैनल है ये गूगल बता देगा, ठीक है? और ये देख के पता लग जाएगा, ये सिंगल है ना, सिंगल है तो उसको देख के पता लग जाएगा ये कितना वोल्ट का पैनल है। तो दोस्तों, ये 5 वोल्ट का पैनल है, ये कॉइल से पता लगता है ये 5 वोल्ट का पैनल है, लेकिन उसमें बीसीसी सप्लाई आ रहा है 3.3 वोल्ट आ रहा है। तो अभी देखिए उसमें क्या किया, ये वीडियो को देख के आप लोग को आउट नॉलेज बहुत कुछ मिल जाएगा दोस्तों। मैं आप लोग को मैं एक एक करके बताता हूँ। तो देखिए, ये जंपर को क्या किया, ये टेक्नीशियन लोग कुछ हरामी भी होते हैं। ये 5 वोल्ट का जंपर उठा कर 3.3 वोल्ट में डाल दिया,
और इसलिए ये पैनल में ये प्रॉब्लम आया था, पिक्चर नहीं आ रहा था और वर्टिकल्स बार्स लाइन आ रहा था, पिक्चर धीरे धीरे फ्रीजिंग कर रहा था और डिस्प्ले नहीं बन रहा था। तो ये वोल्टेज का कारण से दोस्तों, आप लोग का पास जब भी सेट आए पहले वोल्टेज अच्छा से याद रखना, ये कितना पैनल, कितना वोल्टेज का पैनल है और ये पैनल में कितने वोल्टेज आ रहा है, उसका बाद वोल्टेज मेजर करना, सब कुछ देख के, क्योंकि कोई टेक्नीशियन का पास से जब आता है तो बहुत कुछ होकर आता है, ठीक है। तो इसी करके करना। अभी मैं 5 वोल्ट का जम्पर में मार दिया, टीवी को एक बार देखना है ये सही हुआ कि नहीं। तो मैं टीवी को उठाकर आप लोग को बता रहा हूँ, ये टीवी में अभी ये देखिए अभी ये सही होगा, ये नो डिस्प्ले का नो सिग्नल का इमेज आया, पहले ये इमेज नहीं था और इसे लाइन लाइन था, वर्टिकल लाइन लाइन था, तो वो वोल्टेज का वजह से था। इसमें जो पैनल में 3.3 वोल्ट मिल रहा है इसका वजह से ये प्रॉब्लम था। अभी ये पैनल में पूरा 5 वोल्ट मिल गया और ये पैनल भी ओके हो गया, अभी पिक्चर विक्चर सब ओके हो जाएगा, ठीक है।